स्वागत है हमारे इस न्यूज चैनल पे और आज के प्रोग्राम में जिसका नाम है अगले बैन तक। तो आज बहुत ही बड़ी खबर हम आपके सामने पेश करने वाले हैं कि पबजी, जी हाँ, पबजी बैन हो चुका है। मोदी जी ने आज फिर कई ऐप्स को और बैन किया है जिसमें से पबजी एक है। तो आपको क्या लगता है पबजी क्यों बैन किया होगा मोदी जी ने, क्या आप बता सकते हैं हमें? क्या राशि के कुकर से चने निकालने से मोदी जी को गुस्सा आ गया, या फिर उन्होंने कल अपने माँ के घर गए थे और उनकी ममता ने उन्हें पिघाल दिया इसलिए उन्होंने इस कंट्री की हर माँ की खुशी के चलते पबजी बैन कर दिया? जी हाँ, ये सब सिर्फ आप सुन रहे हैं हमारे चैनल पर अगले बैन तक। आपको ये सारी एक्सक्लूसिव खबरें कहीं और नहीं मिलेंगी, सिर्फ हमारी न्यूज़ पे ही मिलेंगी। जी हाँ, तो इस बड़ी खबर के चलते हमने कुछ माता पिताओं और पबजी प्लेयर्स को हमारे स्टूडियो में कनेक्ट किया है एंड आज हम लेने वाले हैं उनका इंटरव्यू। जानते हैं कि उनकी क्या राय है आखिर इस बैन के ऊपर। क्या मोदी जी ने कोई अपनी पर्सनल खुन्नस निकाली है उनसे, या फिर ये सच में नेशनल सिक्योरिटी के लिए है? तो जानते हैं आज की यूथ की हमारे गवर्नमेंट के प्रति क्या सोच है। तो जल्दी से चलते हैं पहली हमारे तो चलिए जल्दी से कनेक्ट करके पूछते हैं उनसे कुछ सवाल। हम तो कहे थे इनको पढ़ लो लिख लो, कुछ काम आ जाएगी पढ़ाई, नहीं हमारी कौन सुनता है, नहीं कौन सुनता है हमारी। खबर है तुमको, पिता सूरज की तरह होता है, जब होता है तो तुमको गर्मी लगती है, नहीं होगा ना जिस दिन अंधेरा छा जाएगा पूरे जगत में, देखना। पिता एक उम्मीद है, एक आस है, परिवार का विश्वास है, कौन समझाए इन लौंडों को, कौन? हमें तो देखो दीदी बस एक ही बात का दुख हो रहा है, बेचारा पबजी कितनी मुश्किलों से गुजर रहा होगा और हम यहाँ एक दूसरे को कह रहे थे उसको किल करो, ओम दे दो, ये दे दो, वो दे दो, वहाँ पबजी अपनी आखिरी सांसों में लड़ रहा था, हम आखिरी सांसों में भी उसका साथ नहीं दे पाए, बताइए, हम एक दूसरे को किल कर रहे थे, ऐसे तो हमें कर्मा का फल ही मिल गया, अब तो हम सब नूबड़े रह गए, सारे के सारे नूबड़े रह गए अब तो। बेटा हम जरा दिया ढूंढ रहे थे, इसका ना ये थाली का दिया नहीं मिल रहा था हमको, ना मोदी जी की आरती उतारनी है, वारी जावा हमें मोदी जी पे, मेरे बच्चे की जिंदगी बना दी उन्होंने, वो मैं सोच रही थी पता नहीं कहीं उन्होंने दिया भी तो बैन नहीं कर दिया। आजकल बड़े बैन शैन करने के मूड में लगे पड़े, जो मन में आए जो तुम सामने दिखे तुम बैन, तुम सामने दिखे तुम बैन। कहे हम इनको दिलवा देते नौकरी कर लो जाके कहीं पे, नहीं पबजी खेलेंगे हम, पबजी खेलेंगे, करियर बनाएंगे, कहते हैं इसमें करियर बनाएंगे, वाह। अब हमें बताइए आप, ये सारे दिन रात को पड़े पड़े बिस्तर में ये गेम खेलने के कौन तुमको पैसे देगा, बताओ हमें। हमें देखो जाते हैं पूरा दिन धूप में मेहनत करते हैं तब जाके हमको पैसा मिलता है, ये गेम में करियर बनाएंगे, कह रहे हैं बेटी बड़ी हो रही है ब्याह करना है उसका, नहीं हम करियर बनाएंगे पबजी खेलेंगे, नहीं फ़र्क थोड़ी पड़ता है, ये धूप में बाल सफ़ेद किए ना हम तो उल्लू हैं जो कह रहे हैं इनको कि पढ़ लो लिख लो नौकरी कर लो, नहीं हमारे तो इतना लाइफ बर्बाद हो गया इतना लाइव, हम तो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए सेटअप करने वाले थे, अपने पापा को कितनी मुश्किल से मनाए भी थे कि हमको पैसा दे दो, अभी तो हमारी गर्लफ्रेंड हमको छोड़ के गई थी, उसके सदमे से भी नहीं उभरे थे कि अब पबजी ने भी छोड़ दिया हमको, तो लाइफ बर्बाद हो गया, ये कोरोना हमको ही बर्बाद करके चले गया। गवर्नमेंट ये मत सोचना कि हम दुखी होकर बैठ जाएंगे चुप करके,
इतने यूथ है हम आजकल की यूथ, वी हैव विल पावर। आपको क्या लगता है, आपने पबजी बैन कर लिया तो क्या? मुझे तो सिर्फ अपने उन दोस्तों के बारे में दुख हो रहा है जिनका करियर चलता था मोदी जी, पबजी से करियर चलता था, उनके घर में दो वक्त की दाल पानी आता था, तुमने वो भी छीन लिया उनसे, इतना भी तुमको शर्म नहीं आई? अब उनका परिवार कैसे चलेगा तुम हमको ये बताओ? हम तो अपने भाइयों के साथ हैं, बताओ तुमको COD खेलना है, तुमको TDM खेलना है, हम सब निकाल के रखे हैं पता, ये कोई चाइनीज ऐप नहीं है, तुम जब फोन करो हम तुम्हारे साथ खेलेंगे आके। दिखाओ मोदी जी, करके दिखाओ क्या करते हो तुम अब। मैंने तो सब कुछ प्लान कर लिया है, मैं तो माता का जगराता रखने वाली हूँ, उसमें अपनी सहेलियों को, पिंकी को, डॉली को, चिंकी को, सबको बुलाने वाली हूँ। एंड मैं तो, आप लोग को पता है, कलर ब्लॉकिंग भी मैंने पूरी अच्छे से सीख ली है, मैं वो कर लूँगी। मास्क वास्क सब मैंने मैचिंग सिलवा लिया, आएंगी सबको मैं तो जलाऊँगी। इतना भला कर दिया ना मोदी जी ने मेरा, इस सोशल डिस्टेंसिंग के चक्कर में पार्टियाँ ही नहीं रख पा रहे थे हम, बताइए, ना कोई जगराता, ना कोई आरती, ना कुछ। अब हमने जो मैंने कपड़े खरीद के रखे हैं, मैं कैसे दिखाऊँ आखिर उनको, बताइए। मोदी जी तो सच में मेरे फेवरेट बन चुके हैं, इसलिए मैं उनके लिए थाली लेके आई हूँ, मैं ऐसे उनकी ना आरती उतारने वाली हूँ। इतना भला कर दिया मोदी जी ने तो मेरा, भगवान को 11 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगी मैं तो। हाँ, पर क्या करें, गवर्नमेंट ने भी तो टाइम पास के लिए तो बैन नहीं किया होगा ना, नेशनल सिक्योरिटी के लिए ही बैन किया होगा। साथ हैं हम मोदी जी, आप जो चाहिए कीजिए, हम साथ हैं। तुम्हें क्या लगता है हम डर जाएंगे इन सबसे? ना ही मोदी जी, ना ही हम, ये खेलेंगे COD खेलेंगे, हमारी एवरी डे ऑफ लाइफ में खेलेंगे, देखते हैं क्या करते हो तुम। दिख रही हूँ क्या, दिख रही हूँ क्या? वो जरा लाइट नहीं है हमारे घर में, ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगी। तुम वो सब छोड़ो, पबजी चलता रहेगा, ये बताओ रिजल्ट कैसा आया? तो देखा आपने किस तरीके की, हमारा भारत बन चुका है एक डेमोक्रेटिक कंट्री, जहाँ हर किसी की अपनी सोच है, कोई सरकार का साथ देना चाहता है तो कोई अपने पबजी भाइयों का साथ देना चाहता है। इस पर आपकी क्या राय है, आप भी हमें 9400821 पे मिस कॉल करके बताइएगा। आप मिस कॉल कीजिएगा, हम फिर आपको कभी कॉल करेंगे नहीं, क्योंकि आपका ओपिनियन हमारे लिए मैटर नहीं करता है। हमें जो बैन करना है, मतलब मोदी जी को, वो बैन कर देंगे, आपकी राय की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर अच्छा हो, लगा हो आपको ये, तो ज़रूर मिस कॉल तो मत कीजिएगा, लेकिन इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक बटन दबा दीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा, क्या जाने का है। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, जहां फिर कुछ बैन होगा, तो मैं आपके लिए ताज़ा खबरें लाती रहूँगी। तब तक के लिए जय हिंद।